जय श्री राम दोस्तों, आज का एक और नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज जा रहे हैं बाड़मेर बाइक सर्विस करवाने के लिए। अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर है, अभी गांधव से निकल गए हैं। आगे बाइक सर्विस करवाने के बाद जाएंगे वीरात्रा माता जी के दर्शन के लिए, वाकल माता जी। बाड़मेर से लगभग 55 किलोमीटर है। अभी आ गए हैं दोस्तों धोरीमना। धोरीमना से ये ब्रिज के ऊपर से निकलेंगे। धोरीमना की बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों साइड ब्रिज के नीचे दोनों साइड है, बहुत बढ़िया मार्केट है। देखिए दोस्तों, ये सामने दिख रहा है धोरीमना क्षेत्र के मांगता में पत्थर व ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी खाने हैं। यहाँ से ग्रेनाइट और पत्थर निकाले जाते हैं। ये देखो, पत्थर यहाँ ला के कटिंग करते हैं, बड़े बड़े पत्थर वहाँ से लाते हैं और यहाँ ला के कटिंग करते हैं। रोड के दोनों साइड बड़ी बड़ी खाने हैं। देखो यहाँ से ट्रैक्टर से कटिंग कर रहे हैं। देखो सामने दिख रही है वो खान है और एक उस साइड, दोनों साइड है। अभी दोस्तों आ गए हैं बाड़मेर। बाड़मेर 5 किलोमीटर आया, जाते हैं शोरूम पे, बाइक सर्विस करवाते हैं और बाइक सर्विस करवाने के बाद में मिलते हैं आपको। फिर जाते हैं माता जी के मंदिर दर्शन के लिए वीरात्रा। बाड़मेर में भी माता जी का मंदिर है, वाकल माता जी का, बहुत लगभग पास में ही है, लेकिन हम जाएँगे चौटन वीरात्रा। फिर बाद में मिलते हैं आपको दोस्तों। बाइक सर्विस हो गया है। बाइक सर्विस करवाने के बाद बाड़मेर से अब निकले हैं। अब यहाँ से सोटन 41 किलोमीटर है, 41, और सोटन से लगभग 8 किलोमीटर है, कितना है पता नहीं, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। आगे वीरात्रा है माता जी का मंदिर। तो बाड़मेर से निकल गए हैं, अभी थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा है अभी। अभी यहाँ से लेंगे राइट, सीधा जाएंगे धोरीमना और राइट लेंगे सीधा चौटन। यहाँ से चौटन दिखा रहा है 39 किलोमीटर।
शॉर्ट टर्म की मार्केट चालू हो जाती है। दुकान वगैरह आनी चालू हो गई है और अभी इंडू बाबा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे शॉर्ट टर्म दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर मार्केट यहाँ से चालू हो गई है और हमें आगे से राइट लेना है। जहाँ से हमें राइट लेना वहाँ से 1 किलोमीटर चौटन दिखा रहा है। यहाँ देखो बहुत बड़ी मार्केट है दोनों साइड। हमें यहाँ से राइट लेना है और चीता जाएंगे सीधा चौटन और यहाँ से वीरात्रा माता जी के मंदिर जाएगा सीधा। अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट, ये सामने दिख रहा है ये प्रवेश द्वार है बाहर का। ये बाहर का गेट है और यहाँ से माता जी का मंदिर 3 किलोमीटर है, वीरात्रा माता जी मंदिर। सामने आ रहे हैं जाके देखिए दोस्तों, सामने छोटी माता जी का मंदिर है सामने ही, वो देखो सामने दिख रहा है। मोबाइल में तो कैप्चर नहीं होगा लगभग, और घूम के उस साइड जाना है। यहाँ से मंदिर 800 मीटर है। ये एंट्री गेट आ गया है, यहाँ से करते हैं एंट्री और सामने जाते हैं, पार्किंग करते हैं बाइक। देखिए पार्क कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर अपना बाइक किया पार्किंग और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। और सामने चलते हैं मंदिर की ओर, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ। मंदिर के सामने ये प्रसाद की दुकानें बनी हुई है, यहाँ पे पहले पर्ची कटानी पड़ती है प्रसाद के लिए और फिर पर्ची भाई जी को देके फिर प्रसाद लेंगे। दोस्तों माता जी के मंदिर के अंदर आ गए हैं, माता जी के दर्शन करवाते हैं आपको भी। जय माता जी। और उस साइड माता जी सरस्वती विराजमान है।
बहुत बड़ा मंदिर है माता जी का। और माता जी की प्रसाद वो सामने हो रही है यहाँ पर प्रसाद करते हैं। ये दोस्तों ऊपर पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये टोटल लगभग 1200 सीढ़ी है। ये जो वो सामने मंदिर दिख रहा है उससे आगे मंदिर है, और मंदिर गुफा बहुत है। ये तो गढ़ मंदिर है और उससे आगे और मंदिर है, माता जी का मंदिर है, पुराना वाला मंदिर। अभी आ गए हैं मंदिर के पास। ये सामने मंदिर का गेट है। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक आए तब तक थक गए। अब यहाँ आराम करेंगे और वापस नीचे जाएंगे, ऊपर अब नहीं जाएंगे। आगे गढ़ मंदिर जाने का रास्ता। और यहाँ मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरा। ये मंदिर है और ये मंदिर के पास से ऊपर से नीचे का नज़ारा देखिए कैसा सुंदर दिख रहा है। और सामने माता जी का मंदिर नीचे वाला। अब यहाँ से माता जी के दर्शन कर लिए हैं, फिर चलते हैं नीचे। अब दोस्तों वहाँ से आ गए नीचे, अब जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ से घर 130 किलोमीटर है माता जी के मंदिर से, वीरात्रा से। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।